विश्वं सर्वं स्वाभाविक शक्ति होती है। ये जैसे घट का पराग भाव मृत्तिका में होता है, तो मृत्तिका में स्निग्ध होकर के घटाकार परिणत होने की शक्ति विद्यमान। घट का पराग भाव कहां है? तो मृत्तिका में। तो मृत्तिका में स्निग्ध होकर घटाकार परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता है। इसी प्रकार जिसके हृदय में भगवान आने वाले होते हैं, जिसको भगवान का दर्शन होने वाला होता है, उसमें दुख सहन करने की शक्ति मौजूद होती है। वसुदेव के जीवन में आप देखेंगे दुख कितना है, और इतना दुख होने पर भी कंस के प्रति उनके मन में दुर्भाव कहीं नहीं है। देवकी को मारने के लिए वो खड्ग उठाता है तो भी नहीं है, बच्चों को मार डालता है तो भी नहीं है, बच्ची को छीन लेता है तब भी नहीं है, जेल में डाल देता है तब भी नहीं है। वसुदेव के मन में कंस के प्रति दुर्भाव नहीं है। अब एक दूसरा देखो, तो इसी से वसुदेव का नाम ही श्रीमद् भागवत में शुद्ध अंतःकरण रखा हुआ है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में बताया कि शुद्ध अंतःकरण का नाम वसुदेव है। सत्वम विशुद्धम, रजः परिणामी सत्व नहीं, तमः परिणामी सत्व नहीं, शुद्ध सत्व जिसमें राजस तामस विकार नहीं आते हैं, ऐसे अंतःकरण का नाम वसुदेव है। तो ये तो आपके पास भी है अंतःकरण को, पर वो रजः परिणामी है, तमः परिणामी है, झट रजोगुण उसमें आ जाता है। भोग करेंगे तो सुख मिलेगा, कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, दुश्मन को नीचा दिखाएंगे तो सुख मिलेगा, ये रजोगुण का भाव है। वो भगवान कैसे आवे? अच्छा, अब दूसरे देखो, नंद है, नंद परमानंद में मग्न है। वो जो है वसुदेव का जो भाव है वो दोष राहित के प्रधान है, वो शुद्धि है बोला, और नंद का भाव गुणाधान प्रधान है। गुणाधान प्रधान है कब? वो परमानंद में निमग्न रहते हैं। नंद टू नदी समृद्ध हमेशा भरपूर, ऐसा तालाब जिसका जल कभी कम न हो, ऐसा समुद्र जो कभी सूखे नहीं,
ऐसी गंगा की धारा जिसका मूल से कभी संबंध न हो। परमानंद वृत्ति में नंद बाबा मग्न रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला के दर्शन का उनको सौभाग्य मिलता है। अब देखो दोनों में फर्क देखो। वसुदेव जी को पुत्र के रूप में भगवान प्राप्त होते हैं, ये तो ठीक है, परंतु उन्हें बाल लीला देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और नंद बाबा के पुत्र के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, उनका पुत्र भाव होता है परंतु बाल लीला देखने को मिलती है। तो नंद बाबा का जीवन स्नेह प्रधान है और वसुदेव जी का जीवन शांति प्रधान है। शांति प्रधान होने से वसुदेव जी को लीला देखने को नहीं मिलती, और शांति में लीला कैसे होगी। और भाव प्रधान, भक्ति प्रधान, प्रेम प्रधान होने के कारण, आनंदमयी वृत्ति की प्रधानता होने के कारण नंद बाबा को श्री कृष्ण की लीला देखने को मिलती है। और माता है यशोदा। श्री कृष्ण किसके बेटे बनते हैं, किसकी गोद में बैठते हैं, किसका दूध पीते हैं, कि जो भगवान को यश दे, उनके यश का गान करे। उखल बंधन के प्रसंग में स्मरंती तानी अगायत, जसोदा मैया गाती रहते थे क्या क्या, कि यानी जानी है गीतानी तद बाल चरितानी चो, दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्यगायतो। काम करती जा रही, घर का काम करती जा रही, दही मस्ती जा रही, आटा गूंधती जा रही, रोटी बनाती जा रही, घर में उनके ऐसा काम था। अब यहां तो ऐसे कहना पड़ेगा कि भाई कंघी करती जाओ, पाउडर लगाती जाओ, है ना, बाथरूम में साबुन मलती रहो दो घंटे तक, लेकिन भगवान का गुणानुवाद गाते जाओ। तुम्हारी दिनचर्या में ही तो भगवान को फिट करना पड़ेगा। तुम्हारी दिनचर्या में भगवान के लिए कहीं से स्थान निकले तो बोले अलग से भगवान को समय कौन दे, तो बोले भाई इसी में दो। हमको लोगों ने बताया कि हमारे घर में महाराज बहू जी हैं, क्या नाम है, बेटी जी हैं, तो उनको तो दो घंटा स्नान करने में लग जाता है। तो ठीक है भाई, उस समय मुंह तो खाली रहता है, भगवान का नाम लो, भगवत गुणानुवाद का गान करो, मजा लेते जाओ, रस लो। इसी को यशोदा बोलते हैं। हो वृत्ति से भगवान को यशस्त, बोले वो तो यश के खजाने हैं, उनको हम क्या यश देंगे। तो जश ये दो कि वो सबके बाप होने पर भी प्रेमी के बेटे बन जाते हैं, वो देश से भी विशाल होने पर दो फुट के बच्चे बन जाते हैं, और वो अजर अमर होने पर भी अपने घर में जन्म लेते हैं, वो निराकार होने पर भी अपने लिए साकार हो जाते हैं, होने पर भी अपने लिए दृश्य हो जाते हैं। ये जो भक्त के लिए भगवान अपने में परिवर्तन कर लेते हैं, अपने को बड़ा से छोटा बना लेते हैं, देखो मुक्त से बद्ध हो गए कि नहीं, यशोदा मैया ने रस्सी से बांध दिया, क्या यश मिला, अपने भक्त के लिए नित्य मुक्त भगवान बंध गए। जो नित्य तृप्त है वो दूध का प्यासा बन गया, जो सबका मालिक है वो चोर बन गया। इतना कृपालु, इतना कृपालु।
ये तो भक्त लोग भगवान को बड़ा यश देते हैं, अगर भगवान को यश दो तो वो तुम्हारे बेटे बन के तुम्हारी गोद में बैठ के तुमको खेलेंगे, उनके यश का गान करो। अच्छा अब प्रसंग पर आते हैं। चंद बाबा गए कंस को कर देने के लिए। एक ये भी भक्त का स्वभाव है, पहले कंस के सामने जाने में डरते हो शायद, और भगवान के आने से निडर हो गए, जाने में कोई डर नहीं रहा क्योंकि रक्षक आ गया अपने घर में, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा है कि अगर दुष्ट का शासन हो तो बैर विरोध करके उससे शांति से बैठना मुश्किल होता है, तो थोड़ी बहुत उसकी भी तृप्ति करना। हमारे एक संत थे, तो उनके यहां जब सत्संग होता तो चार चार घंटे लगातार सत्संग होता, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता, चुटकुले हो जाते, लतीफे हो जाते, हंसी मजाक हो जाता। एक दिन किसी ने पूछा कि महाराज ये सत्संग के बीच में ये आप हंसी मजाक की बात क्यों कर देते हो? तो वो बोले कि देखो हम भीतर से तो भगवान से प्रेम करते हैं, तो कलयुग आता है विघ्न डालने के लिए, तो एक दो बात उसकी भी कर देते हैं कि वो खुश हो जाए कि हमारा यहाँ स्थान है थोड़ा, क्योंकि आजकल कलयुग का राज्य है, शासन दुष्ट है, वो उसको भी थोड़ा संतुष्ट कर देते हैं, कलयुग की बात थोड़ी हंसी मजाक की कर लेते हैं, तो कलयुग समझता है कि हाँ भाई यहाँ हमारा भी आदर है, हमारा भी आदर है, तो वो विघ्न नहीं डालता। तो नंद बाबा ने कंस को भी संतुष्ट करने की जो चेष्टा की, यही उसको कर देने के लिए जाना है। देखो जब तक जीवन रहता है तब तक अहंकार की थोड़ी सी वृत्ति रहती है और यही टुकड़े टुकड़े करता है। देखो कंस मर जाता है तो उसका ससुर आ जाता है, जरासंध आ जाता है ना, माने एक जरासंध, जरासंध माने ग्रंथी रूप होता है वो, जरासंध माने चिज्जडक ग्रंथी, वो दो टुकड़ों का जोड़ है, दो टुकड़ों का जोड़ है, और कंस माने दोनों में बैठा हुआ एक अहंकार, अस्ति और प्राप्ति का पति, इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम्, इतना मेरे पास है और इतना और हो जाएगा, इतना है और इतना मिलेगा। ये जो दो तरह का है ना, अभी तो हमारे पास लाख है, दस लाख है, करोड़ है, आगे चल के हम अरबों के मालिक बन जाएंगे, इस ख्याल में जो डूबा हुआ है ना, इस ख्याल का नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने इतना और मिलेगा, और इन दोनों का जो पति है वो कौन है? बोले कंस है। अस्ति प्राप्ति का पति कंस है। वो कंस कहां से निकला, पैदा कहां से हुआ, कंस को ये अस्ति प्राप्ति मिली कहां से? जरासंध की बेटी है ये चिज्जडक ग्रंथि की बेटी है दोनों। अब ये हुआ कि घर में आए भगवान और उन्हीं की रक्षा दीक्षा के लिए नंद बाबा गए मथुरा, परंतु प्रेम हृदय में होने पर भी वैमुख्य तो हुआ ना थोड़ी देर के लिए सही, गोकुल में भगवान को छोड़ करके मथुरा क्यों गए, कंस के पास क्यों गए? जब जब नंद बाबा श्री कृष्ण को छोड़ करके कुछ करते हैं तब तब वो विपत्ति में फंस जाते हैं। एक देखो ये नियम देख लो, मामूली बात की तो क्या करें, श्री कृष्ण को छोड़ करके एकादशी व्रत का पारण करने के लिए यमुना स्नान करने गए तो विपत्ति में पड़ गए, वरुण का दूत उन्हें पकड़ के ले गया। यद्यपि वैष्णव के लिए एकादशी मुख्य है,
पर उसका पारण भगवान के सामने ही हो जाता है, उसके लिए किसी दूसरे देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा देखो, दूसरी बात देखो, अंबिका बन गए देवी की पूजा करने के लिए, तो वहां अजगर ने पकड़ लिया, कालक ग्रस्त हो गए। करो काली की पूजा, हमारा काली की पूजा में विरोध नहीं है, वो काली की पूजा और अजगर रूप काल, वो तो काल ही तो है ना, काला सांप तो काल ही तो है ना, तो श्री कृष्ण ने बचाया। वरुण से भी किसने बचाया, भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो रक्षा करने वाला कौन है, भगवान। वरुण से बचाया किसने, श्री कृष्ण ने जा करके बचाया। अजगर से बचाया किसने, कहा अपने पांव से अजगर को छू दिया भगवान ने, अजगर से बच गया। इंद्र की पूजा करते थे नंद बाबा, तो भगवान ने कह के छुड़वाया, बोले अरे इंद्र की पूजा करने से तो ज्यादा अच्छा है ब्रज के किसी चट्टान की पूजा करो, ब्रज की माटी भी स्वर्ग के इंद्र से श्रेष्ठ है। वैष्णवजन ब्रज की पूजा करो, ब्रज की। तो ये देखो नंद बाबा की बात है। अब नंद बाबा जब कंस को खुश करने के लिए गए, ये अनन्यता की बात है, कंस को खुश करने के लिए गए तो पूतना आई। अब ये पूतना जो है मथुरा में कोई उपद्रव नहीं करती, ये तो गोकुल में ही उपद्रव करती है। हम मथुरा और गोकुल की तुलना कर लो, मथुरा तो ब्राह्मी स्थिति है जहां भगवान प्रकट होते हैं, मथ्यते तु जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञाने न जेनवा तत्सार भूतम यद यस्याम मथुरा सा निगद्यते। मथुरा उसको बोलते हैं, मथुरा किसको बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान से संपूर्ण जगत का मंथन करके जो सार सार ब्रह्म निकलता है ना, वो ब्रह्म जिस पुरी में निवास करे उसका नाम मथुरा। मथुरा की बड़ी महिमा है, पर मथुरा में पूतना का उपद्रव नहीं है। वहां कंस तो है और वो मरता भी है, मर भी जाता है। कंस मथुरा में ही मरता है और कहीं मरने वाला नहीं है। गोकुल में कंस नहीं मरता, गोकुल में जाता ही नहीं, मरेगा कहां से। वृंदावन में कंस नहीं मरता, कंस के रहने और मरने का दोनों का स्थान मथुरा है। तो पूतना जो है वो उसी के द्वारा भेजी हुई है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने पूतना को अविद्या करके वर्णन किया है, पूतना जो है वो अविद्या रूप है। हमारे महात्मा कहते हैं कि खेचरी है पूतना और गोकुल में आती है। आप लोगों को जरा संस्कृत के शब्दों में जो दो अर्थ होता है ना, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। खेचरी खानी इंद्रियां, खे इंद्रिय वर्गे, चरति इति खेचरी। किसी योगी को जब खेचरी की सिद्धि हो जाती है तब वो आसमान में उड़ने लगता है। ये योगी लोग बड़े बड़े उपद्रव करते हैं, जीव जो नीचे से जीव की जो पकड़ है ना उसको काटते हैं, और जीव को ऊपर जो तालू के मूल में जो छिद्र है उसमें पहुंचाते हैं, और उल्टे पहनते हैं वो, सिर नीचे और पांव ऊपर करते हैं, और खेचरी मुद्रा सिद्ध करते हैं। जब खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है तो आसमान में उड़ने की शक्ति आ जाती है, ऐसा योग शास्त्र में प्रसिद्ध। अब खेचरी माने इंद्रियों में विचरण करने वाली, खेचरी सिद्धि से संपन्न। पूतना जो है ये बकासुर और अघासुर दोनों की बहन है, ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत। माने पूतना से जब पूतना अविद्या आती है ना, ज्ञान आता है आदमी के मन में,
तो ये अज्ञान क्या करता है का मनुष्य को बकासुर बना देता है। बकासुर माने बनावटी, दंभी हो, दंभी माने भीतर कुछ बाहर कुछ, ये बगुला का काम है। जल में खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है, बकत ध्यानम बोलते हैं, एक पांव से पानी में खड़ा हुआ और बिल्कुल सफेद पोष सात्विक वस्त्र धारण किए हुए और हिले नहीं बिल्कुल और नजर बिल्कुल स्थिर, और सामने मछली आई तो बोले गणप, इसको बकासुर बोलते हैं। तो भगवान ने बकासुर को चीर दिया था, और अघासुर भी उतना का ही भाई है, छोटा भाई। अघ माने पाप, जीवन में पाप जितने आते हैं वो अविद्या से आते हैं, पहले अविद्या बेवकूफी नासमझी अगर शरीर के भीतर होगी तब पाप होगा, नहीं तो पाप होगा ही नहीं। तो दंभासुर और अघासुर, अघ माने पाप, न हन्यते भोगम बिना इति अघा, भोग के बिना जिसकी मृत्यु नहीं होती उसको अघ बोलते हैं। माने अगर तुम पुण्य करो, कोई बढ़िया काम करो तो राजा तुम्हारे ऊपर खुश हुआ, बोले लो 5000 पुरस्कार, बोले कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये तो देश के और किसी अच्छे काम में लगा दिया जाए, तो आप मना कर सकते हैं नहीं लें उसको, लेकिन आप बुरा काम करें और आपको 5000 रुपया जुर्माना हो जाए। बोले कि नहीं हमारा जुर्माना देश से वसूल कर लिया जाए, हमसे वसूल न किया जाए, तो आप बच जाएंगे, जुर्माना तो आपको ही देना पड़ेगा। पुण्य के फल से बचने का उपाय है, आपके पास सुख आवे बांट दो मत भोगो, रुपया आवे बांट दो, भोजन आवे बांट दो, कपड़ा आवे बांट दो, पुण्य का फल आप बांट सकते हैं, लेकिन पाप का फल अगर दुख आवे तो उसको आप बांट नहीं सकते, उसको भोगना ही पड़ता है, क्योंकि पाप का फल कुछ शरीर में होता है, कुछ मन में होता है, उम्र के लिए कुछ होता है, जाति के लिए कुछ होता है, सुखी दुखी होने के लिए कुछ होता है। पाप पुण्य से परिस्थितियां नहीं बनती हैं, मन बनता है, पाप पुण्य का संस्कार मन में बैठता है और वहीं से वो मन को दिन भर में 10 बार रोना और 10 बार हंसना, ये जो है ना सब, ये जब पाप का प्रकाश होता है तब रोना आ जाता है। एक ही दिन में देखना, एक बार कोई बात ख्याल में आवेगी तो रोने लग जाओगे, और एक बार कोई बात ख्याल में आवेगी तो हंसने लग जाओगे, और बाहर कुछ नहीं, बाहर वही स्त्री है, वही पुत्र है, वही मकान है, वही धन है, वही घाटा है, वही नफा है, वही नुकसान है, सब बाहर वही है, पर आपका मन दिन भर में कई बार रो जाएगा और दिन में कई बार हंस जाएगा। दिल में जो रोने हंसने की बात आती है ना, वही पाप पुण्य के जो अदृष्ट भीतर जमे हुए हैं उनसे वो जैसे फूल खिल जाए और फूल मुरझा जाए, ऐसे आपका दिल कभी खिल जाता है और कभी मुरझा जाता है, वो दिल में ही सुख दुख का भोग बैठा हुआ है। तो आप पुण्य को भोगने से इनकार कर सकते हैं, सामर्थ्य है आपका, लेकिन पाप को भोगने से इनकार नहीं कर सकते। तो महात्मा लोग इसकी युक्ति बताते हैं, इसकी भी युक्ति होती है, पुण्य का फल बांट दो और पाप का जो फल है उसको स्वीकृति मत दो, माने मैं दुखी हूं ये अभिमान धारण मत करो, मैं भगवान का कृपा पात्र हूं ये अभिमान धारण करो, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का स्वरूप हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, अस अभिमान जाय जनि बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो अब ये पूतना आई हो, पूतना क्या है,
अब ये नंद बाबा एक ओर तो श्री कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं और एक ओर वैमुख्य है। ये बात ध्यान में रखना कि अजगर के पास गए तो है ना, गोवर्धन की वो जो इंद्र की पूजा का जब प्रसंग आया तो नारायण एकादशी व्रत में चले गए वरुण लोक में तो अब कंस के पास गए तो क्या हुआ, बोले पूतना आई। ये पूतना जो है अविद्या है और इसके दो भाई हैं, एक दंभ और एक अर्थ, बकासुर और अगासुर। और इसका मालिक कौन है, कंस है। बोला ये असल में भेद जो दृष्टि है ना, कंस माने भेद ही है, भेद मात्र दृश्य होता है। ये बात आप देख लेना। आज कोई सज्जन पूछ रहे थे, कोई भी परिच्छिन्न वस्तु, कोई भी पृथक वस्तु, कोई भी खंड वस्तु तब तक दिख ही नहीं सकती जब तक वो अभाव से घिरी हुई न हो। वस्तु का दर्शन ही तब होता है जब वो अपने अभाव से घिरी हुई होती है। स्वभावाधिकरणे भासमानत्व प्रत्येक परिच्छिन्न वस्तु में होता है। वेदांती बात है, छोड़ रहे हैं। तो ये पूतना क्या है, पूतानपि नयति। संस्कृत में पुनीतः जो है ना, पुनीत ये केवल क्रियापद है, ये कर्तृपद कभी नहीं होता। पुनाति पुनीतः पुनंती, ऐसे रूप चलता है वो, टेढ़ा है जरा। पुनाति पुनातः मत बोल देना, है ना। पुनाति पुनीतः पुनंती, पुनान्ति नहीं होता, पुनंती। बहुवचन में पुनंती होता है और द्विवचन में पुनीतः। तो पुनीत जो है वो संस्कृत भाषा में क्रियापद है, ये विशेषण नहीं है, ये भाव नहीं है, ये संज्ञा नहीं है, केवल क्रिया है। संस्कृत में इसके लिए पूत शब्द है। बोला पूत, पूत माने पवित्र। तो पूतानपि नयति, जो बड़े बड़े पवित्र आत्माओं को भी ले जाए उठा के, उसका नाम पूतना। पूतान नयति अहणीय प्रापणे, अन्य देशम प्रापयति। अपने अंतर देश में विराजमान परमात्मा से जो विमुख कर देती है उसका नाम पूतना। कंस ने सोचा नापूत एष भविता, जो हमें मारने के लिए आया है वो बड़ा पवित्र आत्मा होगा। एष अपूतः न भविता, नापूत एष भविता, न अपूतः एष भविता, ये अपूत नहीं होगा, माने अपवित्र नहीं होगा, पवित्र होगा। ये कंस के मन में आया तो पूतना बोलते हैं। अब अविद्या गोकुल में प्रविष्ट हुई। क्यों प्रविष्ट हुई, कि उसने देखा कि यहां पुरुष तो कोई है ही नहीं, सब अबलई अबला है। अच्छा, और पूतना आती कहां है, कि गोकुल में आती है। जब हम इंद्रियों से संसार के विषय को देखते हैं तो उनमें जो तीन बात, देखो विषय को देखने के बाद तीन बात आती है, इसमें सुख है, सुख मैं में रहता है, सुख विषय में नहीं रहता। ये बिल्कुल भूल है वो, कि बाहर से सुख आता है। इसीलिए आंख बंद करके भी हम चाहें तो अपने हृदय में सुख का विकास कर सकते हैं। सुख बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। और बाहर की चीज स्वयं नहीं पूर्ती है, हमारे बिना उसको सत्ता लाभ हो ही नहीं सकता। इसको आप जरा गौर से समझेंगे तो समझ जाएंगे। बोला हम ही न होए तो दुनिया होने का क्या अर्थ है, नात्मानं बिना दृश्यानि स्वात्मानं प्राणान लभन्ते। हमारे बिना,
हमारे बिना कोई भी दृश्य आत्मलाभ नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। अगर मैं देखने वाला नहीं हूँ, मैं चेतन होने वाला प्रकाशक न हूँ, तो कोई भी दृश्य प्राण लाभ नहीं कर सकता। मालूम पड़ती है दुनिया इसलिए कि दुनिया मालूम होने के पहले मैं मौजूद रहता हूँ। अगर मैं मौजूद नहीं हूँ, मैं विद्यमान नहीं हूँ, उपस्थित नहीं हूँ, तो दुनिया मालूम ही नहीं पड़ सकते। नात्मानं विना दृश्यानि प्राणान लभन्ते। आत्मसत्ता के बिना किसी भी दृश्य को प्राण लाभ हो ही नहीं सकता, जिंदगी नहीं हो सकती। अब ये महाराज उतना जो आई तो ये क्या करती है कि सात्विक राजस तामस सब प्रकार के जीवों को ये मोहित कर लेती है, यही इसका स्वभाव है। तो पहले मैंने सिद्धि के रूप में भी वर्णन किया था, बोला सिद्धि के रूप में भी है। जैसे केतली मुद्रा सिद्ध हो गई तो सिद्धि आ गई, अब सिद्धि आ गई तो जोगी मुक्त हो गया, बोले ओहो क्या रखा है, अब तो हम आसमान में उड़ने लगे। एक हमारे जाने हुए साधु थे, कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब ईश्वर का भजन करने में क्या फायदा है, ऐसे हो अब हम गांव में घूमेंगे और लोगों को अपनी ये सिद्धि दिखावेंगे कि हमारे पास देखो ये सिद्धि है, और सबसे कहेंगे कि तुम भी भगवान का भजन करो तो ये सिद्धि मिलेगी। अब वो थोड़े दिन तो लोग महाराज सिद्धि देख देख के भजन करने लगे, और थोड़े दिनों में उनकी वो सिद्धि चली गई। तो वो व्याकुल थे जब हमको जिस समय हमको मिले थे वो बिल्कुल व्याकुल थे। हमारे घर पे रहे, खाया पिया, हमको अपनी सब सिद्धि बताई, कैसे चली गई तो बताया, लेकिन व्याकुल थे। तो ये सिद्धि जो है ये जब भगवत भाव को दबा देती है तब राक्षसी हो जाती है। जो तुम्हारे हृदय में भगवान को दबा दे, आत्मसत्ता को आवृत कर दे, वो तो पूतना है, अविद्या है। श्री वल्लभाचार्य महाराज ने कहा अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रा वशेषिता। अच्छा आप दूसरी बात आपको सुनाते हैं। एकम कार्यम भगवतः, भगवान एक काम करते हैं, और बहुवर्थानाम तु साधकम, और बहुत अर्थ सिद्ध होता है। भगवान काम करते हैं एक, और अर्थ सिद्ध होता है बहुत। तो जब पूतना गोकुल में आई, पूतना गोकुल में ही आ सकती है, ये बात आप ध्यान में रखना। गोकुल माने इंद्रियों का जो ये दृश्य है प्रपंच, गवाम कुलम, जिस विषय में गौएं चरती हैं उसका नाम है गोकुल। जिस देश में ये इंद्रिय दृश्य जो लोक है इसको बोलते हैं गोकुल, इसको बोलते हैं ब्रज। अब इसी में ये पूतना अविद्या आकर के क्या करती है, का एक तो आनंद बुद्धि उत्पन्न करती है कि इसमें हमको सुख होता है, दूसरे का ये सब स्वतंत्र वस्तुएं आकर के स्वतंत्रता से हमको सुख देंगे, और तीसरे ये सच्ची है। ये जगत के दृश्य के संबंध में जो तीन बेवकूफी है, तीन बेवकूफी क्या है, एक तो बाहर की वस्तु में से आनंद निकलता है, हम स्वयं आनंद रूप नहीं हैं, ये पहली बेवकूफी है, और ये स्वयं प्रकाश है विषय, ये दूसरी बेवकूफी है, और ये हमेशा बनी रहेंगी सच्ची हैं, ये तीसरी बेवकूफी है। अविद्या, संस्कृत में बोलते हैं अविद्या अज्ञान, और इसको बोलो नासमझी। देखो अब ये पूतना आई, पहले भगवान ने एक काम किया, ये पूतना गोकुल गांव में घूमे लेकिन उसको कोई बच्चे ही न दिखे। पूतना बच्चों को खाती नहीं है, पूतना ग्रह है, केवलम ग्रहणाते, वो केवल पकड़ती है, खाती नहीं है, पर क्या करती है कि प्राण को पी जाती है। तो
श्री वल्लभाचार्य महाराज ने ऐसा प्रतिपादन किया है कि पूतना के पेट में हजारों लाखों जीव जो हैं, उनको खींच करके उसने अविद्या पूतना ने अपने पेट में रख छोड़ा था। अब भगवान ने विचार किया कि इसका उद्धार हो, तो यदि ब्रज में जाकर के और बालकों को वो मारेगी तो हम खेलेंगे किसके साथ। भगवान ने ये विचार किया कि फिर हमारी लीला किसके साथ होगी, तो हमारे लीला में आने वाले काम जो बालक हैं वो तो जिंदा रहने चाहिए। तो फिर पूतना कैसा बन करके आई, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। तो एक विषय के अंतर्गत अनेक विषयों का वर्णन होता है ना। परीक्षित जा गए, नंद बाबा को भी ये ख्याल हुआ कि ब्रज में उत्पात होगा, वसुदेव जी ने बता दिया था। तो अब देखो, आपको दोनों तरह की बात सुनाते हैं। वसुदेव जी ने कह दिया था कि तुम तो यहाँ आए हो और गोकुल में उत्पात हो जाएगा, तुम्हारा रहना वहां जरूरी है। तो नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव की बात झूठी तो नहीं हो सकती, ये भी एक बात है। जो कभी झूठ नहीं बोलता, वो अगर अनजान में कोई बात बोल दे, उसके मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो सच्ची हो जाती है। ये योग दर्शन में ये सिद्धि लिखी है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वा, ये योग दर्शन का सूत्र ही है। सच बोलने वाला आदमी हो तो जरा बात लंबी हो गई, तो वसुदेव जी की बात झूठी नहीं होगी। तो नंद बाबा ने क्या किया कि ये सुनते ही कि ब्रज में आपत्ति विपत्ति की संभावना है, हरिम जगाम शरणम, भगवान की शरण में चले गए। अच्छा, और क्या नाम है हमारा, आज का आदमी क्या करेगा, वो पुलिस को सूचना देने के लिए थाने में जाएगा। हाँ, तो पुलिस वाले कहेंगे कि तुम झूठी सूचना देने के लिए आए हो, इसलिए हम तुमको ही बंद करते हैं, झूठी सूचना के देने के लिए आए हो। ये सत्पुरुष का स्वभाव है कि जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो भगवान का ध्यान करता है कि हे प्रभु तुम हमारी रक्षा करो, अंतर्मुख हो गया, भगवान पर विश्वास आवेगा, अंतर्मुखता आवेगी। अरे हृदय को बड़ा बल मिलता है, वो तो भगवान की शरण में चले गए। वो अब इधर राजा परीक्षित को शंका हुई कि ब्रज में ये पूतना जा रही है गोकुल में, तो वहां तो ये क्या सत्यानाश करेगी, तो सुखदेव जी ने उनको उधर सांत्वना दी। ये सांत्वना दी कि जहां भगवान के नाम का उच्चारण होता है, यज्ञ जागादि करते हैं, तो यज्ञ जागादि में जो भगवान का नाम लिया जाता है वो मुख्य नहीं होता है, वो तो कोई काम बनाने के लिए होता है, माने हमारा यज्ञ पूरा हो जाए, निश्चित्र हो जाए, संपन्न हो जाए, इसके लिए भगवान का नाम लेते हैं। तो वहां तो यज्ञ का पूरा होना काम है, मुख्य है, और भगवान का नाम गौण है, तो असल में वहां नाम की इज्जत ज्यादा नहीं है। नाम की इज्जत तो तब हो गए ना जब यज्ञ से बड़ा नाम हो गए, वहां तो यज्ञ से छोटा नाम हो जाता है इस वहां भी, लेकिन नाम वहां भी परम कल्याण करता है। आप लोग नारायण बड़े बड़े विद्वानों और वैज्ञानिकों और वेदांतियों का व्याख्यान सुनते हैं। हम अपने दिल का दुख आपको बता रहे हैं, क्या दुख ये है, सन्यासी के जीवन में भी ये नियम है कि उसको 12,000 प्रणव का जप प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि एक अदृश्य के साथ, अनंत के साथ संबंध जोड़ने के लिए, उसमें रुचि रहने के लिए, उसमें दिलचस्पी रहने के लिए, उसका बारंबार जो अभ्यास होता है वो संस्कार अपने दिल को उसके साथ जोड़े रखता है। फिर हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, तत्व ज्ञान हो जाएगा
लेकिन यदि उससे हम अपना रिश्ता ही नहीं जोड़ेंगे तो न यत्र श्रवणादीनी रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम् भर्तुः यातु धान्यश्च तत्र ही। ये राक्षसी कहाँ विघ्न डालती है कि जहाँ भगवान का श्रवण नहीं, जहाँ भगवान का नाम कीर्तन नहीं, जहाँ भगवान का ध्यान नहीं, पूजन नहीं, वहाँ राक्षसी विघ्न डालती है। तो परीक्षित, तो तुम डरो मत, यहाँ तो गोकुल में साक्षात भगवान है, खुद वही है जिनके नाम में राक्षसी विनाश की शक्ति है, वे गोकुल में प्रकट हो गए हैं। देखो तुलसी की गंध नाक में चली जाए, भगवान की याद तो आवेगी। हाथ से भगवान की मूर्ति देख लें, जिह्वा से भगवान का नामोच्चारण कर लें, कान से श्रवण कर लें, हृदय से थोड़ा ध्यान कर लें, और देखो निर्विघ्न जीवन हो जाएगा। निर्विघ्न जीवन भौतिकता में ही सब कुछ नहीं है। अब जब ये आई तो बोले, पहले ये गोकुल में युत नहीं क्यों आई? और सोने का सा रूप धारण करके आई हो, हेमांगना वरांगना, उसको बोलते हैं हेमांगना वरांगना। अरे वो कोई स्त्री नहीं थी, वो तो सोने की पुतली थी, हेमांगना वरांगना। बोले हेमांगने एव, ये स्वर्ण और स्त्री का लोभ जब पुरुष के हृदय में उदय होता है तब वो भगवान की ओर से विमुख कर देता है। गोकुल में सबसे बड़ा प्रतिबंध, गोकुल में माने हमारे रोज रोज के व्यवहार में, हमारे ऐन्द्रियक जीवन में, गोकुल शब्द का अर्थ ऐसे समझो, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने बहुत बढ़िया लिखा है, गोकुल माने हमारा ऐन्द्रियक जीवन। इस ऐन्द्रियक जीवन में यदि हम अर्थ संग्रह करने में लग गए और भोग परायण हो गए तो ईश्वर से विमुख हो जाएंगे। तो स्वर्णांगने का अर्थ, हेमांगने का अर्थ यही हुआ कि एक तो हेम आया और एक अंगना आई गोकुल में, है ना? ये विघ्न आया का होवे और स्त्री भोग होवे, उतना आई तो उसने तो ऐसा रूप बनाया, ये माया है। अविद्या क्या रूप बनाती है? तो देख देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए हो, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। सुमनोपर हरणम मम कार्यम, उसने कहा कि हमको सब देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं, सुमनोवर, सुमनस माने विद्वान होता है, सुमनस माने अच्छा फूल होता है, और सुमनस माने देवता होता है। संस्कृत में सुमनस शब्द का तीन अर्थ, सुमनस माने सुमन जैसे बोलते हैं, सुमन माने फूल, सुमन माने जिसका मन बहुत अच्छा हो, और सुमन माने देवता होता है, सुमन माने विद्वान होता है। अब उसने कहा कि कृष्ण का हरण करना है तो पहले से ही लोगों का मन हरण करते हुए चलना चाहिए। और कृष्ण ने अपनी योग माया से कहा कि देखो हमारे गोकुल में पूतना आई है, उसको पहले तुम खींच करके हमारे पास ले आओ, हमारे और किसी साथी को मारने न पावे, और किसी साथी को मारने न पावे, और तुम उसको खींच के ले आओ। अब पूतना के मन का विरोध, एक और तो वो मारना चाहते हैं, तो अपने वक्षस्थल में उसने विष लगा रखा है। एक बात आप ध्यान में रखना, विष असल में किसी का स्वरूप नहीं है। ये जो हम लोग जहर उगलते हैं, आप लोग भले मानस आप कैसे कहेंगे कि हम जहर उगलते हैं, लेकिन कभी आप अपने हाथ में जहर लगा लेते हैं और उससे ऐसा काम करते हैं कि दूसरे का नुकसान हो जाए, और कभी अपने जीभ में जहर लगा देते हैं और उससे ऐसी बात उगलते हैं कि दूसरा बेचारा मूर्छित हो जाए, मर जाए, इसी को विष कहते हैं। विष है
अच्छा, और ये नहीं समझना कि जिसको हम गाली देते हैं वो बुरा है। जिस समय आप किसी की निंदा करते हैं या गाली देते हैं तो अपने मन में बड़ा संतोष होता है कि आज हमने उसको बुरा बता दिया, आज हमने सिद्ध कर दिया कि दुष्ट है, बच्चों से बदला ले लिया। गाली देते हैं तो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये सात पर्दे के भीतर जो तुमने अपने बुराई रख छोड़ी थी उनको उगल उगल करके तुमने बता दिया कि तुम कितने बुरे हो। आज तो तुमने अपना पर्दा ही फाड़ दिया, नंगा होके नाचने लगे। जिसकी निंदा की जाती है वो बुरा है कि नहीं तो भगवान जाने, परंतु जो निंदा करता है वो तो जरूर बुरा है। जिसको गाली दी जा रही है वो बुरा है कि नहीं तो भगवान जाने, पर जो गाली दे रहा है वो तो अपने दिल में भरी हुई बुराई को उगल रहा है। एक सज्जन थे, वो कहते थे कि हमने तो पांच चार दिन से कुछ खाया ही नहीं, अन्न नहीं, आजकल हम कुछ खाते ही नहीं। इतने में क्या हुआ महाराज कि भूल ही रहे थे, मुंह में एक चली गई मक्खी और मक्खी ने जाके ऐसी गड़बड़ मचाई कि कह हो गई। अब कह हो गई तो कह में तो हलवा निकला, मालपुए निकले, पूरी निकली। अच्छा, अब उन्होंने कुछ नहीं खाया था ये बात तो नहीं रही ना, क्योंकि अगर दो तीन घंटे के भीतर ही उन्होंने न खाया होता, तीन घंटे के भीतर का खाया हुआ निकला हो बोला, और अगर पांच छह घंटे बीत गए होते तब तो नीचे चला जाता, कैसे निकलता नहीं। तीन चार घंटे के भीतर ही खाया था और हलवा पूरी खाया, तो जिसके मुंह से गाली निकलती है वो अपना खाया हुआ है ना जो भीतर, वो देखता है कि हमने ऐसी ऐसी चीजें, दिखाता है लोगों को, जाहिर करता है कि हमने ऐसी ऐसी चीजें अपने भीतर छिपा रखी हैं, कहता है हम बहुत सज्जन हैं, बहुत भले मानुष हैं, और भीतर का जो माल है वो निकलता जा रहा है। असल में ये विष जो है ये बाहर से भीतर भरा जाता है, ये भीतर तो सब अमृत स्वरूप हैं। अगर उतना अमृत स्वरूप न होती तो उसको मुक्ति न मिलती, भगवान ने तो उसको मुक्ति दी। देखो उसके भीतर भी दूध है, पूतना के छाती के भीतर दूध है, बाहर जहर है। सबकी आत्मा अमृत स्वरूप है और ये जहर जो है ये बाहर से आया हुआ है। अब यहां तो ये बताना है कि वो तो कृष्ण की ओर चली हो, ऐसे सौंदर्य का वर्णन किया है, कैसा जूड़ा और उसमें कैसी चमेली के फूल जो है वो लगे हुए, वो गिरते नहीं है, बिल्कुल बंधे हुए, कैसा सुंदर उसका वस्त्र, हाथ में कमल लिए हुए, ऐसे सौंदर्य का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। बोले भाई, सुखदेव जी एक राक्षसी और युवती सुंदरी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, ये कैसा सन्यासी, ये कैसा अवधूत, ये कैसा बाबा जी। तो सुखदेव जी ने कहा चुप रहो चुप रहो, हम केवल सौंदर्य का वर्णन ही नहीं करते हैं, हम तो इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, हम इसका पीछा कर रहे हैं, ये जहां जहां जाएगी वहां वहां हम भी जाएंगे। बोले भला तुम इस युवती और राक्षसी और सुंदरी, इस ठगनी के पीछे पीछे, माया के पीछे पीछे क्यों जा रहे हो। बोले कि ये ऐसी माया है जो भगवान के पास जा रही है, अगर हम इसके पीछे चलेंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, ऐसी माया है इसलिए इसके पीछे चल रहे हैं। जो भगवान से विमुख करे वो विद्या भी अनुकरण करने योग्य नहीं है, और जो भगवान की ओर ले जाए वो अविद्या भी अनुकरण करने योग्य है, ये परमात्मा की ओर जा रही है। अब घर में पहुंची तो बड़ा पद्म करण हाथ में कमल ले लिया। हाँ तो देखो, स्वरूप से तो उसके भीतर अमृत भरा हुआ है,
और स्वभाव से वो राक्षसी दुष्टा है और देखने में बनावटी रूपरेखा है, दंभ है ना, दंभ सारा माया है और विष लगा रखा है। बस मंगल इतना ही है कि उसका जो उद्देश्य है वो बड़ा पवित्र है, भाव पवित्र नहीं है, भाव तो गंदा है, परंतु जहां जा रही है अपने दुर्भाव को पूर्ण करने के लिए जहां जा रही है वो स्थान बहुत सुंदर है। तो अब देखो उसकी दुष्टता का, देखो तन में तो जहर लगा है, मतलब मारना चाहती है, राक्षसी है, और रूप में लक्ष्मी है और दूध पिलाना चाहती है तो माँ है। अरे बाबा, भाव का कुछ स्वारस्य तो रखना चाहिए ना, दूध पिलाना चाहती है तो माँ है और विष पिलाना चाहती है तो राक्षसी है, और हाथ में कमल लेके लक्ष्मी बन के जा रही है तो पत्नी का रूप धारण किया। अब इसके आगे संप्रदाय का भेद होता है। अब दोनों संप्रदाय की बात सुनाता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में ऐसा मानते हैं कि जसोदा मैया और रोहिणी मैया ये दोनों बैठी हुई थी और पलंग पर श्याम सुंदर को सुला रखा और एक जीना जीना पीतांबर डाल रखा। वो श्याम सुंदर के अभी तो ऐसा बतलाया है कि रोहिणी में तो कृष्ण का जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र आप लोगों ने सुना ही होगा, रोहिणी नक्षत्र, और रोहिणी के बाद मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पूज्य और आश्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र में पूतना आई थी ऐसा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज मानते हैं। माने पांचवें दिन, समझो जन छठी के दिन आ गई, क्योंकि छठी के उत्सव का वर्णन नहीं हुआ, नंदोत्सव का वर्णन हुआ और फिर जन्म नक्षत्र के उत्सव का वर्णन हुआ, सकटासुर विध्वंस वो जन्म नक्षत्र है और छठी के उत्सव का वर्णन ही नहीं हुआ। तो छठी के उत्सव का वर्णन क्यों नहीं हुआ? बोले उस दिन गोकुल में पूतना आ गई, छठी के दिन पूतना आ गई और छह कोस का शरीर भी उसका था, ये भी वर्णन है, छह कोस का उसका शरीर था, गभ्युति त्रय, छह कोस का शरीर था और छठी के दिन आई थी। तो ये जो अविद्या है इसके सख कोष होते हैं, छह कोष की अविद्या भी होती है। तो जसोदा मैया और रोहिणी मैया तो स्नेह में इतनी मगन, बलराम की माता है रोहिणी और कृष्ण की माता है जसोदा। रोहिणी का मतलब होता है क्रियाशक्ति, जिससे आरोहण होवे, जैसे नीचे से ऊपर जाना हो ना, जिससे आरोहण होवे, ऊर्ध्वगामिनी जो शक्ति है उसको रोहिणी बोलते हैं, और जो जसोदा है वो यशस्विनी शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों, जसोदा माता और रोहिणी माता दोनों कृष्ण के दोनों ओर बैठ रही और उनको देख रही, तो वो तो इतनी मुग्ध हो गई थी कि पूतना को देख करके उन्होंने पहचाना ही नहीं, क्योंकि जब मनुष्य किसी के प्रेम में मगन होता है तो वो दूसरे को पहचानता नहीं, वो तो अपने प्रेम में भाव में ही वो मग्न है, दूसरा क्या कर रहा है इससे क्या मतलब, तो वो तो देख के वो पूतना आई और बोली, अरे तुम्हारे कभी पहले बच्चा नहीं हुआ है क्या, तुम देखती नहीं हो, पहचानती नहीं हो, ये जो पलंग पर बालक सो रहा है, जिसको प्यास लगी है, भूख लगी है, ये दूध पीना चाहता है और तुम लोग बैठ के टुकुर टुकुर देख रही हो, हटो हटो क्या माँ हो, और दोनों हाथ से पकड़ा ऐसे उनको फटकार दिया। अब तो जसोदा मैया को वो कहते हैं
चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय वाले कहते हैं कि जसोदा मैया को तो ये भ्रम हो गया कि इस बच्चे की माँ होने लायक तो ये है और मैं नहीं हूँ, क्या यही इसकी असली माँ है और मैं सच्ची माँ नहीं हूँ, इसके हृदय में इतना स्नेह है, इतना प्रेम है और ये हमारे बच्चे का इतना भला चाहती है और मैं यहाँ बैठी बैठी अपने बच्चे का भला नहीं चाहती हूँ। अच्छा, अब एक बात आपको फंसाने वाले शास्त्र की बताता हूँ। फंसाने वाले शास्त्र में ये लिखा है कि जिस स्त्री को अपनी ओर आकृष्ट करना हो उसके बच्चे से ज्यादा प्रेम करो तो वो आकृष्ट हो जाती है। आप लोग ये नहीं समझना कि हमने काम शास्त्र नहीं पढ़ा है, बोला तो है ना, हमने केवल वेदांत ही पढ़ा है, सो बात नहीं है, हमने काम शास्त्र के अधिकांश ग्रंथ पढ़े हुए हैं, बोला जितने संस्कृत में मिलते हैं। तो ये जो बच्चे के प्रति प्रेम है ना, ये माँ के आकर्षण का हेतु हो जाता है। तो जब कृष्ण के प्रति पूतना ने इतना प्रेम बताया तो जसोदा मैया और रोहिणी मैया बैठी की बैठी टुकुर टुकुर देखती रह गईं कि अरे ये माँ होने लायक है, बल्कि जसोदा मैया ने ऐसे सोचा कि इसकी असली माँ ये कि मैं। ये तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को, अब श्री वल्लभाचार्य महाराज के संप्रदाय का पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जसोदा माता और रोहिणी साक्षात भगवान के पास बैठी हुई हैं, वो कहीं दूर थोड़े ही हैं। अभी देखो ये महात्म्य ज्ञान हुआ, वहां जसोदा मैया के हृदय में कितना स्नेह है ये वर्णन चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय करता है, और भगवान के पास बैठने का कितना महात्म्य है इसका वर्णन श्री वल्लभाचार्य जी महाराज करते हैं, क्योंकि ये महात्म्य ज्ञान से भक्ति मानते हैं। तो बोलते हैं देखते ही जसोदा मैया पहचान गई कि ये राक्षसी है। ऐसे ताम तीक्ष्ण चित्ताम अति वाम चेष्टिताम वीक्ष्यांतरा कोस परिच्छदा शिवत, जैसे मखमली म्यान में तलवार भरी हो, जसोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों ने देखते ही समझ लिया कि ये तो कोई तीक्ष्ण चित्ता, इसका मन बड़ा क्रूर है। एक बात है, स्त्रियां स्त्रियों को जितनी जल्दी पहचानती हैं उतनी जल्दी पुरुष नहीं पहचानते हैं, वो एक दूसरे को देखते मारा बिल्कुल दिल में घुस जाते हैं। तो उसमें ये है कि तादाद में भी जल्दी होता है और अपने सरीखा ही दूसरे को भी समझती है, ये भी कुछ होता है। तो लेकिन ये तो माता महात्म्य ज्ञान होती है, भगवत सान्निध्य का ये महात्म्य है, श्री कृष्ण के सान्निध्य का ये महात्म्य है कि जसोदा मैया ने देख लिया कि पूतना का चित्त कैसा है और ऊपर से चेष्टा कैसी है, ये तो मखमली म्यान में तलवार रखी हुई है। तो फिर बोली क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? तो एक तो उसका वेश देख करके शिष्टाचार का भाव थोड़ा मन में आ गया, वरस्त्रियम, और ये कोई इतनी प्रभावशालिनी थी पूतना कि क्या करें क्या न करें ये सोच न सकी। और ये श्रीमान जो है ये तो बिल्कुल बालक शिशु, पांच दिन छह दिन के शिशु, बोले इन्होंने क्यों नहीं एक चांटा लगाया पूतना को और वहीं मर जाती, उनके संकल्प से ही मर जाती। बोले कि पांच दिन के बालक बन करके जब पलंग पर सोए हुए हैं तो भगवान यदि अपनी मर्यादा भंग कर देंगे तो सारी सृष्टि की मर्यादा टूट जाएगी, उनको तो बालक की तरह ही रहना चाहिए। तो अभी इसके आगे वाली बात आज नहीं सुनाता हूं, कल सुनाऊंगा।